सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां अभी चढ़ी नहीं कि नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदारों की होड़ सी दिखने लगी है। उसी के क्रम में आज जनपद मुख्यालय पर बीजेपी के दिग्गज नेता मणिकांत शुक्ला ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी की है। जैसा कि मालूम हो कि मणिकांत शुक्ला बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता भी हैं, साथ ही जनपद के बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही जनपद के नगर पालिका से पहले समता पार्टी से एक बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ भी चुके हैं। साथ ही नगर में नगर बस सेवा, जो मुख्यालय को गांव से जोड़े, महिला सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, साथ ही नगर पालिका में रामराज्य स्थापित करने की बात कही। उक्त बातें जनपद मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कही गईं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणों और युवाओं का भरपूर सहयोग रहा है, जिसके दम पर आज वो इस मुकाम पर हैं, और आगे भी उन्होंने युवाओं से वही विश्वास का समर्थन मिलने की विश्वास जताया है। राजनीति, मेरा नाम सर्वप्रथम है मणिकांत शुक्ला, बाबा जी मुझे लोग जानते हैं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया, फिर समता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष 20 साल पूर्व लड़ चुका हूँ। हमारा काम है जनता की सेवा करना, युवाओं को प्रोत्साहन करना। परसीमन हुआ नगर पालिका क्षेत्र में, जो नगर पालिका की नाली, सड़क व्यवस्थाएं हैं, बिजली, प्राइवेट बसों का, नगर बस सेवा चलाने का मेरा संकल्प है। हर गांव में जाए, वहाँ दूर दराज गांव हो गया है, उसको जिला मुख्यालय से जोड़ा जाए, सड़क सुंदरीकरण हो, अच्छी सड़कें, अच्छी नाली हो, लड़कियां सुरक्षित हों, औरतें सुरक्षित हों, अमन चैन शांति रहे, यही मेरा उद्देश्य। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव लड़ रहे हैं? बस नगर का विकास प्रमुख मुद्दा है। जब आप चुनाव लड़े थे तो उस समय आपका नगर पालिका छोटा था, विस्तार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।